Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Pushra. So we were discussing the topic of duties of agents. In today's video we are going to discuss from section 215 till section 221 of Contract Act 1872. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Duties of agent. Starting from section 215, section 215 basically deals with principal rights when agents deal on his own account in the contract of agency or in the business of agency. इस सेक्शन में बेसिकली क्या कहा गया है कि अगर कोई एजेंट अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कोई डीलिंग करता है तो उस वक्त प्रिंसिपल के क्या राइट होंगे, प्रिंसिपल के क्या हकूक होंगे. सो सेक्शन 215 कहता है कि अगर कोई एजेंट अपनी मर्जी से विदाउट प्रिंसिपल्स कॉन्सेंट, यानी कि प्रिंसिपल की रजामंदी शामिल नहीं है, प्रिंसिपल की मर्जी शामिल नहीं है, अगर वो प्रिंसिपल की मर्जी के बगैर अगर कोई बिजनेस ऑफ एजेंसी की कोई डीलिंग करता है या कोई बिजनेस ऑफ एजेंसी परफॉर्म करता है, यानी इन दिस सिचुएशन वो फ्रॉड कर रहा है, जब प्रिंसिपल की मर्जी शामिल नहीं है, वो प्रिंसिपल से तमाम हकायक छुपा रहा है, कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट्स है, यानी उसका मकसद क्या है कि वो अपना फायदा हासिल कर सके, वो ये जो बिजनेस ऑफ एजेंसी प्रिंसिपल से छुपा कर उसकी मर्जी के बगैर कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है, फॉर हिज ऑन बेनिफिट, यानी उसकी अपनी जात को फायदा हो. यहाँ वो प्रिंसिपल के फायदे के बारे में नहीं सोच रहा. सो अगर ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर वो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करता है तो उस सूरत में अगर प्रिंसिपल के नोटिस में ये बात आ जाती है, प्रिंसिपल को ये बात पता लग जाती है कि ये प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शन से हटकर अपने फायदे के लिए कोई काम कर रहा है, तो अगर तो प्रिंसिपल चाहे तो वो उसको एक्सेप्टेंस दे सकता है इस बिजनेस को. अगर एक्सेप्टेंस दी तो वेल एंड गुड, अगर वो चाहे तो वो इसको रिफ्यूज भी कर सकता है, यानी वो इसको एक्सेप्ट करने से, इसको अपनी कॉन्सेंट देने से इनकार भी कर सकता है. और ऐसी सिचुएशन जहां प्रिंसिपल ने इनकार किया है तो एजेंट फोर्सफुली आपने प्रिंसिपल से इसको अप्रूव नहीं करा सकता एज पर सेक्शन 215 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सिंपली इसमें क्या बताया गया है कि अगर एजेंट ने अपने अकाउंट पे अपनी मर्जी से प्रिंसिपल की कॉन्सेंट से हटकर कोई बिजनेस ऑफ एजेंसी परफॉर्म किया है जिसमें प्रिंसिपल की मर्जी शामिल नहीं है, मकसद उसका क्या था, अपना फायदा, अगर प्रिंसिपल के नोटिस में ये बात आ गई तो वो चाहे तो अप्रूव कर दे चाहे तो इनकार कर दे. अगर इनकार कर देता है तो एजेंट उससे फोर्सफुली इस चीज को अप्रूवल नहीं दिलवा सकता. ये था सेक्शन 215. उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 216. सेक्शन 216 में क्या कहा गया है, प्रिंसिपल राइट टू गेन बेनिफिट फ्रॉम व्हेन द एजेंट डील्स ऑन हिज ऑन अकाउंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी. ये सेक्शन 215 से आगे बताया गया. सेक्शन 215 में क्या बात की थी हमने कि अगर कोई एजेंट प्रिंसिपल की कॉन्सेंट के बगैर अपने फायदे के लिए किसी थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रिंसिपल के नोटिस में अगर ये बात आ जाती है, वो चाहे तो अप्रूवल दे दे चाहे तो रिफ्यूज कर दे. अब ये सेक्शन क्या कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल के नोटिस में ये बात आ गई और एजेंट प्रिंसिपल को ये कहता है कि मैं आपको इस बिजनेस में से फायदा दूंगा, यानी अपना को शेयरर बनाऊंगा, अगर तो एजेंट ऐसा करता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कहीं प्रिंसिपल को लगता है कि एजेंट उसे बेनिफिट देने से इनकार कर सकता है, यानी एजेंट उसे बेनिफिट नहीं देगा, तो प्रिंसिपल एज पर सेक्शन 216 फोर्सफुली इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का बेनिफिट अपने एजेंट से ले सकता है. ये सिंपली सेक्शन 216 था जिसमें क्या बताया गया कि अगर एजेंट अपने ऑन पे कोई बिजनेस ऑफ एजेंसी परफॉर्म करता है और उससे अगर उसे कोई फायदा हासिल होता है, तो अगर तो वो प्रिंसिपल को खुद फायदा दे तो ठीक है, अगर वो नहीं देता तो प्रिंसिपल उससे फोर्सफुली भी ये फायदा हासिल कर सकता है.
उसके बाद आता है सेक्शन 217। सेक्शन 217 में क्या कहा गया है, एजेंट्स राइट ऑफ रिटेनिंग सम ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट। ये सेक्शन बेसिकली हमें एजेंट का राइट बता रहा है, एजेंट का हक बता रहा है। और ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर कोई एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, उसको वसत देने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए अगर अपनी जेब से कोई पैसा लगा रहा है ताकि वो प्रिंसिपल के बिजनेस को ज्यादा परवान चढ़ा सके, उसको मजीद फायदा दे सके, तो प्रिंसिपल की ये ड्यूटी है कि वो अपने एजेंट को ये तमाम पैसा रिटर्न करेगा, क्योंकि उसने जो पैसा लगाया है उसमें किसका फायदा है, प्रिंसिपल का फायदा है। और अगर कोई प्रिंसिपल एजेंट को ये पैसा देने से इनकार कर देता है तो फिर एजेंट क्या करेगा, एजेंट ने जो प्रिंसिपल के नाम पर लोगों से जो पैसे वसूल किए थे ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, वो क्या करेगा, उन तमाम पैसों से अपने पैसे रिकवर कर सकता, यानी जितना पैसा उसने लोगों से वसूल किया है उसका ये राइट है कि वो इन पैसों से वो तमाम पैसा जो उसने प्रिंसिपल के बिजनेस पर लगाया है उसकी रिकवरी कर सकता है एज पर सेक्शन 217। ये एजेंट का राइट है और प्रिंसिपल की ड्यूटी है। उसके बाद आता है सेक्शन 218। सेक्शन 218 बेसिकली डील करता है एजेंट्स ड्यूटी टू पे द सम ऑफ मनी रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल। इस सेक्शन में सिंपली क्या बताया गया है, दिस सेक्शन बेसिकली एक्सप्लेन्स द राइट ऑफ प्रिंसिपल। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं ड्यूटीज ऑफ एजेंट, सो ड्यूटीज ऑफ एजेंट इज द राइट ऑफ प्रिंसिपल। क्योंकि हमने लॉ के अंदर पढ़ा है कि किसी एक बंदे का राइट हमेशा दूसरे बंदे की ड्यूटी होता है, सो इस केस में भी एजेंट की ड्यूटी प्रिंसिपल का राइट है। ये सेक्शन बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर किसी प्रिंसिपल ने कोई एजेंट अपॉइंट किया है तो एजेंट की ये ड्यूटी है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में जितना भी पैसा रिसीव किया गया है, यानी इस बिजनेस को परफॉर्म करते हुए थर्ड पर्सन से जितना भी पैसा वसूल हुआ है, एजेंट की ये ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल को वो तमाम पैसा देगा। या तो वो ये तमाम पैसा प्रिंसिपल के अकाउंट में जमा करा सकता है, या उसको बाय हैंड दे सकता है, या उसके घर पहुंचा सकता है। ये एजेंट की ड्यूटी है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में जितना पैसा भी उसने वसूल किया है वो तमाम पैसा प्रिंसिपल को लाकर देगा, बिकॉज एक एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा था। और अगर कोई प्रिंसिपल चाहे तो के वो उससे इन्वेस्टिगेशन करे, यानी उससे हिसाब किताब मांगे इन तमाम पैसों का, तो एजेंट की ये ड्यूटी है कि प्रिंसिपल के डिमांड करने पर वो उसको तमाम हिसाब किताब देगा, माइन्यूटली वो उसे हर हर डिटेल बताएगा कि कौन सा पैसा कहाँ लगाया था, कौन सा पैसा किस जगह से वसूल किया गया था, यानी ऑनेस्टली वो इस काम को परफॉर्म करेगा, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा। ये सेक्शन 218 के अंदर एजेंट की ड्यूटी बताई गई है। उसके बाद आता है सेक्शन 219। सेक्शन 219 क्या कहता है, व्हेन एजेंट्स रिमुनरेशन बिकम्स ड्यू। इस सेक्शन में क्या बताया गया है, यहाँ जो वर्ड रिमुनरेशन यूज हुआ है इसको हम कहते हैं मुआवजा, या फिर सिंपली सैलरी ऑफ द एजेंट। सो इस सेक्शन में क्या बताया गया कि एजेंट कब अपनी सैलरी का हकदार होगा। सो सेक्शन 219 बेसिकली एक रूल बताता है, एक प्रिंसिपल के बारे में बता रहा है, एक असूल बता रहा है कि एजेंट को उसका मुआवजा कब दिया जाएगा। सो ये रूल सिंपली क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि एजेंट अब की रिम्यूनरेशन तब उसे दी जाएगी व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट एंड्स, यानी कि जिस काम के लिए उसे अपॉइंट किया गया था, जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसे एजेंट अपॉइंट किया गया था, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी खत्म होगा, उसका टाइम पीरियड एक्सपायर होगा, तब वो एजेंट लायबल होगा फॉर रिम्यूनरेशन। इससे पहले वो अपने प्रिंसिपल से रिम्यूनरेशन डिमांड नहीं कर सकता, अगर वो ऐसा करेगा तो उसको रिम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी। यानी सिंपली क्या है कि अगर वो डिमांड करता भी है तो उसका प्रिंसिपल उसे क्या कहेगा कि सबसे पहले तुम अपना काम खत्म करोगे, तुम्हारे काम खत्म होने पर तुम्हें तुम्हारा मुआवजा दे दिया जाएगा।
अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट एंड होने का इंतजार नहीं किया जाता, यानी कि एजेंट की जो रेम्यूनरेशन है वो मंथली या वीकली मुकरर की जाती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो एजेंट डेली डिमांड नहीं कर सकता, यानी रोज के काम खत्म होने पर वो ये नहीं कह सकता कि मुझे मेरा मुआवजा दिया जाए। मंथली बेसिस पर है तो उसे मंथ के एंड में दी जाएगी, और अगर वीकली बेसिस पर है तो उसे हर हफ्ते के एंड पर दी जाएगी। लेकिन जनरल रूल क्या है कि काम खत्म होने पर ही उसे उसका मुआवजा दिया जाएगा। पहले प्रिंसिपल उसे ये कहेगा कि तुम पहले अपना काम खत्म कर दो, वंस योर टास्क इज फिनिश्ड देन यू विल बी एंटाइटल्ड फॉर योर रेम्यूनरेशन एज पर सेक्शन 219। उसके बाद आता है सेक्शन 220। सेक्शन 220 क्या कहता है, एजेंट्स नॉट एंटाइटल्ड फॉर रेम्यूनरेशन और वी कैन से दैट द सैलरी इन केस ऑफ एनी मिसकंडक्ट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। अब पिछले सेक्शन में हमने डिस्कस किया कि कब उसको रेम्यूनरेशन दी जाएगी। ये सेक्शन बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर बिजनेस में कोई मिसकंडक्ट होती है तो एजेंट को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। ये सेक्शन भी बेसिकली एक असूल बता रहा है, एक रूल बता रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में क्या होता है, एक प्रिंसिपल अपने लिए एजेंट मुकरर करता है, एजेंट क्या करता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर उसकी तमाम ड्यूटीज परफॉर्म करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए जब एक प्रिंसिपल एक एजेंट को अपॉइंट करता है तो इसकी अपॉइंटमेंट के पीछे उसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि इसका एजेंट उसके तमाम फायदे का तहफ्फुज करे, उसके बेनिफिट के लिए काम करे, उसको हर तरह से फायदा पहुंचाए, ना कि उसे नुकसान पहुंचाए। सो ये क्या हुआ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए एक एजेंट मुकरर हो गया, फॉर एग्जांपल शुरू के 2-3 महीने उसने बिल्कुल सही काम किया, एजेंट ने अपने प्रिंसिपल को फायदा देने के लिए तमाम भरपूर कोशिश की, तमाम हद तक गया, हर वो काम किया, लेकिन अगर 3rd महीने में इनकेस वो क्या करता है, एजेंट फ्रॉड करना स्टार्ट कर देता है, यानी अब उसे प्रिंसिपल के फायदे से कोई किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रहा, वो चाहता है कि मुझे मेरी जात को फायदा मिले, उसे ये नहीं है कि वो प्रिंसिपल को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर उसके किसी एक्ट की वजह से प्रिंसिपल को किसी भी किस्म का कोई नुकसान होता है, यानी उसके मिसकंडक्ट या फ्रॉड की वजह से, तो तब वो प्रिंसिपल से अपनी रेम्यूनरेशन डिमांड नहीं कर सकता एज पर द रूल गिवन इन सेक्शन 220। अगर वो ऐसा करता भी है, डिमांड करता भी है, तो भी उसे रेम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी। सो ये सेक्शन क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ मिसकंडक्ट इन द बिजनेस द एजेंट इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर रेम्यूनरेशन, और अगर वो चाहे कि वो कोर्ट से रेम्यूनरेशन हासिल करने के लिए कोर्ट जाए तो कोर्ट भी उसे रेम्यूनरेशन नहीं दे सकती इन केस के उसने कोई मिसकंडक्ट किया है। उसके बाद आता है सेक्शन 221 जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है। ये सेक्शन क्या कह रहा है, एजेंट्स राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन बेसिकली क्या है, राइट ऑफ लीन इज एक्चुअली द राइट टू रिटेन समथिंग। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था सेक्शन 172 और 171 में जब हमने जनरल और पार्टिकुलर लीन पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको जाकर देख सकते हैं। सो सेक्शन 221 में बेसिकली किसका रूल बताया गया है, रूल फॉर द राइट ऑफ लीन। ये सेक्शन कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी किसके दरमियान होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज ऑलवेज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट, एजेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल हु वर्क्स ऑन हिज बिहाफ। जब एक प्रिंसिपल अपने लिए एजेंट अपॉइंट कर देता है तो अब उस एजेंट के जिम्मे प्रिंसिपल के तमाम काम आ जाते हैं, यानी वो तमाम काम जो प्रिंसिपल ने करने थे अब वो कौन करेगा, अब वो एजेंट कर रहा है, क्योंकि एजेंट को किसके बिहाफ पर अपॉइंट किया गया है, प्रिंसिपल ने अपने बिहाफ पर अपॉइंट किया है, और एजेंट इज वर्किंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रिंसिपल। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एजेंट ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, यानी वो अपने प्रिंसिपल को बेनिफिट देने की तमाम हद तक कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह उसके प्रिंसिपल को अपने बिजनेस में फायदा हो जाए, तो अगर ऐसा कोई एजेंट अपनी ड्यूटीज फुली परफॉर्म कर रहा है, तो अगर प्रिंसिपल इन केस, इस केस में अगर प्रिंसिपल कोई फ्रॉड कर देता है, यानी वो प्रिंसिपल उसको उसकी रिमुनरेशन नहीं देता, या अगर देता भी है तो उसका कम मुआवजा देता है, उसके काम से कम सैलरी दे रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा
कि अगर कोई प्रिंसिपल ऐसा करता है तो एजेंट का राइट क्या है, एजेंट हैज द राइट ऑफ लीन, यानी कि जितना उसने थर्ड पर्सन के साथ प्रिंसिपल के बिहाफ पे बिजनेसेस किए थे उन बिजनेसेस से जितनी भी मनी उसे रिसीव हुई है वो उस तमाम पैसे को रिटेन कर सकता है, रोक सकता है। कब तक रोक सकता है? जब तक कि उसे प्रिंसिपल की तरफ प्रॉपर रिमुनरेशन ना मिले। अब जैसे ही उसको मुआवजा मिलेगा तो वो प्रिंसिपल की पैसा उसको रिटर्न कर देगा एज पर सेक्शन 221। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 215 से 221। आज हमने ड्यूटीज ऑफ एजेंट को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आए होंगे। अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन अल्लाह हाफिज़।